दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। सायला उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ककाड़ी नाडी में चल रहे दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 11 वर्ष का हुआ समापन। मंगलवार को मुख्य अतिथि सरपंच रजनी कंवर तथा CBO फूलचंद सैनी की अध्यक्षता में हुआ। वही विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार, समाज सेवी शंभु सिंह दहिया उपस्थित रहे। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता के सचिव लोकेश कुमार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में कबड्डी वर्ग के सुरणा संकुल के पिंक आदर्श विद्या मंदिर उंडी ने प्रथम तो जीवाणा संकुल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पूनावास ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वही कबड्डी वर्ग के संकुल जीवाणा ने प्रथम तो संकुल सायला ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खो खो छात्र वर्ग में संकुल केशवना ने प्रथम तो सुरणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खो खो छात्र वर्ग के संकुल सायला ने प्रथम तो सिराणा संकुल के रघुनाथ राजपुरोहित की ढाणी विद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिम्नास्टिक में छात्र वर्ग मांडवला ने प्रथम तो केशवना ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरपंच रजनी कंवर ने कहा कि खिलाड़ियों को कभी भी हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हार के कारणों को जानकर जीत के लिए खेल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है। आप सभी ईमानदारी पूर्वक खेल को खेले ताकि आपके भविष्य के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन हो सके। वही फूलचंद सैनी ने कहा कि बालकों का सर्वांगीण विकास पंचकोष पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला कोष शारीरिक विकास का आता है। खेल खेलने से शारीरिक का विकास होता है व स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्रतियोगिता में विजेता तथा उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वही दुर्ग सिंह तुरा ने सभी का आभार जताया। निर्णायक की भूमिका गुमान सिंह शेखावत, गिरिराज, सुरेश कुमार, दुर्ग सिंह, मेघ सिंह, अरविंद पारंगी, मंगाराम ने निभाई। इस मौके पर मंगाराम चौधरी, जगाराम, परकाराम, रामाराम, जुंजाराम, मंगलाराम, अमराराम, देवासी, धनाराम, बग्गाराम, नकुल, मोर सिंह समस्त काकाणी नाडी के ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता देने का भी आह्वान किया गया। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में अतिथि तथा शिक्षा विभाग के CBO फूलचंद सैनी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सायला गोयला के शिक्षक दुर्ग सिंह तुरा को आगामी जिला स्तरीय 14 वर्ष के खो खो खेलकूद प्रतियोगिता देने का आग्रह किया, जिस पर सभी ने दुर्ग सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पर आज वो समय है जो धीरे धीरे बदल रहा है। समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और अब लोगों का ये कहना है पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उसके भी बाप। तो बस यही मानना है आपको कि लोग अब भविष्य में खेल कूद से अपने करियर को सवार रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है कि मम्मी पापा ये कहते खेलोगे कूदोगे तो हम खराब हो जाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, पढ़ाई भी करनी है और खेल कूद में भी ध्यान देना है। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक खेल है, अब वो आप पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे खेलोगे, खिलाड़ी बनकर या खिलौना बनकर। एट लास्ट जो इस प्रतियोगिता में भाग लिए उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो विनर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं, और जो हार गए वो निराश मत होइए, क्योंकि हारना भी एक सिक्के का दो पहलू है। तो अपनी जिंदगी जिए बैलेंस करके। थैंक यू सो मच। मैं दूसरे स्थान पर छात्र वर्ग में प्रथम है रेशमा की ढाणी केशवना। अमृत कुमार छात्र खो खो छात्र किराना संकुल। और दूसरे स्थान पर दामलाई नाडी आलासन, जिम्नास्टिक में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं दामलाई नाडी आलासन। सेकंड है साइला केश कुमार
रेखा कुमारी संकुल सायला 50 मीटर दौड़ छात्रा। 100 मीटर दौड़ में छात्रा वर्ग में दूसरे स्थान पर, लंबी कूद में छात्रा वर्ग से आरती जहां भी हो मंच पर पधारे हैं। आरती वर्ग में प्रथम स्थान पर सुराणा से पूजा प्रीति गुड़िया और कविता शंकु जीवाणा 100x4 में छात्रा वर्ग में जीवाणा से।